hello students how are you all today we are learning english subject okay and open page number 14 have you open page number 14 okay today's topic is words with ck and sh sound first of all we read the ck sound okay uh, word with ck sound read the words aloud s s h o c k shock वट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉक शॉक मीन सदमा सदमे का मीन्स होता है बच्चों जब कभी कोई ऐसी घटना घट गट जाती है तो सदमा लग जाता है लाइक दिस जिसकी हम कल्पना नहीं करते और वो बात जब घटित हो जाती है तो उसको बोलते हैं शॉक लगना एस ओ सी के एस सॉक्स सॉक्स मीन्स जुराब टी एच आई सी के थिक थिक मीन्स मोटा एस ओ सी के ई टी सॉकेट सॉकेट क्या होता है बच्चों आपने स्विच बोर्ड देखा है जिसमें हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें एक छोटा छेद जिसमें एक छेद छेद होता है वैसा भी एक प्लग टाइप में जिसमें हम प्लग लगा कर उसको यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सॉकेट जिसमें प्लग लगाते हैं ओके जिससे ब्लैक जैसे हम प्लग लगा के आए जैसे कि हम प्रेस कर सकते हैं मोबाइल चार्ज पे लगा सकते हैं उस टाइप से उसे हम सॉकेट बोलते हैं सी एच ई सी के चेक, चेक कर चेक मींस क्या होता है जांच करना ठीक है बी ए सी के बैक बैक, बैक मींस पीछे बी एल ए सी के ब्लैक ब्लैक, ब्लैक मींस काला टी ए सी के टैक टैक क्या होता है बेटा एक स्मॉल शार्प पिन होती है जिस लाइक द कील, ओके ओके स्टूडेंट्स आर ओ सी के ई टी रॉकेट रॉकेट क्या होता है अंतरिक्षयान देखा है अपने आ, आपने रॉकेट आपने देखते इसको आ, पिक्चर्स या फिल्मों में भी देखा होगा ओके स्टूडेंट्स सी एल ओ सी के क्लॉक क्लॉक के क्लॉक मीन्स घड़ी डी यू सी के डक डक तो आपने देखी होगी आप चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पे देखी होगी काफ़ी डक्स होती हैं डब्ल्यू डबल ओ डी वुड टी ई सी के ई आर पैकर वुड पैकर वुड पैकर एक बर्ड्स का नाम है ठीक है बच्चों जिसको हिंदी में वो कंठ फोड़ा भी के नाम से भी जानते हैं सी आर ए सी के क्रैक क्रैक मीन्स क्या होता है चटकना जैसे कि जब कभी कांच किसी चीज से टकरा जाता है या कोई पत्थर से उसके ऊपर टक पत्थर कांच के ऊपर टकराता है तो कभी कभी कांच पूरा ना टूट कर कभी कभी चटक जाता है उसको बोलते हैं क्रैक क्यू यू आई सी के क्विक क्विक क्या होता है क्विक मींस होता है जल्दी ठीक है क्विक मींस जल्दी बी एल वंस अगेन स्टार्ट नाउ, नेक्स्ट नैक्स्ट इज सी एच आई सी के ई एन चिकन ठीक है बच्चों, चिकन मीन्स क्या होता है मुर्गा या मुर्गी का मांस जिसको हम कहते हैं चिकन आर ओ सी के रॉक रॉक मीन्स चट्टान देखिए बच्चों आपने चट्टान जो पत्थर की जो बनी होती है बड़ी बड़ी चट्टान है उसको बोलते हैं रॉक पी <coughs> ओ सी के ई टी -E पॉकेट पॉकेट देखिए आपने जो आपके आप जो पैंट पहनते तो है उसमें पॉकेट होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जेब पी आई सी के पिक पिक मीन्स चुनना ठीक है ना पिक करना जिसको बोलते हैं किसी चीज़ में से हम पिक करते हैं इस टाइप से जिसको बोलते हैं चुनना बी एल ओ सी के ब्लॉक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉक ब्लॉक क्या होता है बच्चों अपने फ्लैट देखें फ्लैट में अलग अलग पार्ट्स में जो रूम्स बने होते हैं पूरा जैसे उसको नाम दे दिया जाता है बी ब्लॉक ए ब्लॉक सी ब्लॉक इस टाइप से अलग अलग समतल भूमि पर बनी हुई बिल्डिंग्स के अंदर जो अलग अलग पार्ट बने होते हैं उसे ब्लॉक के नाम से जानते हैं एल यू सी के लक लक मीन्स भाग्य इन मोर वर्ड्स के आई सी किक किक मतलब आ, किसी चीज़ को पैर से ठोकर मारना जैसे किक मार रहा है ना ये बॉय बॉल पर इस तरह से किक ये किक कहलाता है ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों पी आई सी के पिक पिक मीन्स चुनना एल आई सी के लिक लिक मीन्स चाटना ठीक है समझ में आ रहा है सबको ओके टी आई सी के टिक टिक क्या होता है आ, मार्क होता है कि टिक मार्क रॉन्ग रॉन्ग टिक राइट टिक, टिक, टिक इस टाइप से एस आई सी के सिक सिक क्या होता है बीमार होना है आप एप्लीकेशन राइट करते हो ना सिक पे जब कभी आप सिक को बीमार हो जाते हो तो अपने स्कूल में आप एप्लीकेशन डिपो एप्लीकेशन सबमिट कराते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सिक लीव इस टाइप से ओके डब्ल्यू आई सी के विक विक क्या होता है बच्चों कैंडल के अंदर जो धागा होता है उसे हम बोलते हैं विक सी ओ सी के कॉक कॉक मीन्स मुर्गा एल ओ सी के लॉक लॉक तो सबने देखा ही होगा जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो घर पे लॉक लगा के जाते हैं, नहीं जाते बी आर आई सी के ब्रेक ब्रेक मीन्स ईंट ईंटों से क्या बनता है मकान टी आर यू सी के ट्रक ट्रक मीन्स देखा है आपने बच्चों ट्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं वाहन ट्रक पे बहुत बड़े बड़े सामान एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाए है जाते हैं एस यू सी के सक सक मीन्स सक क्या होता है सक मीन्स चूसना जैसे आपने देखा होगा फ्लावर्स पे बटरफ्लाई बैठ के उसका रस चूसती हैं उसको बोलते हैं सक एफ आर ओ सी के फ्रॉक फ्रॉक तो सभी जानते हैं अधिकतर गर्ल्स को ये पहनना पसंद तो हो, पसंद होता है फ्रॉक पहनना तो बच्चों आज हमने वर्ड विथ सी के साउंड्स सीखे हैं आपको इसको प्रैक्टिस करनी है इसको रीड आउट करना है अगेन एंड अगेन ओके थैंक यू बाय बाय